नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। साहिबगंज जिले के सबसे चर्चित पत्थर व्यवसायी जयप्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी लाल को शुक्रवार को जो रांची से गिरफ्तारी हुई थी, जहां उसे शनिवार को राजमहल अनुमंडल न्यायालय में पेश किया गया, जहां वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार जयप्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी लाल पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज था, जिसमें उसके विरुद्ध वारंट निर्गत किया गया था। वारंट निर्गत होने के बाद बरहेट थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर छापेमारी की गई थी। उसी दौरान उसे हिरासत में लिया गया था, जहां उसे एयरपोर्ट थाने पर रखकर पूछताछ की गई और उसे रिमांड पर लेकर साहेबगंज पुलिस राजमहल अनुमंडल न्यायालय पहुँची थी, जहाँ उसे शनिवार को पेश किया गया और उसे वारंट निर्गत के आधार पर जो है जज ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साल भर से उनके ऊपर लगातार जो है मामले दर्ज किए जा रहे थे। उनके पत्थर खदानों का लीज भी रद्द किया गया है और कई मामलों में उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं एक अन्य जो जानकारी मिली है, उसमें मुंगेरी लाल एवं बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के बीच काफ़ी जो है संघर्ष चल रहा था। इसी संघर्षों के कारण उनके ऊपर कहा जा रहा है कि लगातार कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच जो है वह साहेबगंज जिले से जो है फरार थे और कई मामलों में वह बेल लेकर साहेबगंज आए थे, लेकिन आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तारी हुई है, जो कि कहा जा रहा है कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कारण इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। अब कैसे कार्रवाई की गई है और क्यों कार्रवाई की गई है, यह एक अहम बिंदु है। लेकिन कहा जा रहा है कि जयप्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी लाल के द्वारा जो है एक व्यक्ति के साथ मिलकर जो है राज्य के मुख्यमंत्री एवं उनके सहयोगियों पर अनित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसके बाद से खनन के मामले में ईडी के जो कार्रवाई चल रही है, इसी का खामियाजा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को उठाना पड़ रहा है।